Good morning everyone, this is your EVS subject class and this one is your EVS book. Okay, today we're going to start the new chapter, lesson 7, page number 34. Page number 34, lesson 7, my happy school. Okay, page number 34, lesson 7, my happy school. आज हम स्कूल की रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है? Now let's start the chapter. Draw hands of the clock. Just bring the pencil. Pencil bring कीजिए, सब कोई pencil लीजिए. और clocks में आपको hand बनाने हैं कि I go to school. आप school कितने बजे जाते हो? उसका hands draw कीजिए. 7:30 पे जाते हो ना? Draw hand like this. 7:30. Clock में आपको hands draw करने हैं. 7:30 draw कीजिए. My school starts at, school आपका कितने बजे स्टार्ट होता है? 8 o'clock पे, है ना? तो 8 o'clock पे क्लासेस स्टार्ट हो जाती है ना, तो 8 o'clock पे ऐसे कीजिए, draw hand like this. My school get overs at, school get over, school किस टाइम पे ओवर होता है? 1:30 पे. कब ओवर होता है? 1:30 PM पे. कि 1 पीएम पे ओवर होता है ना आपका स्कूल, 1 पे ही करिए आप. ड्रॉ हैंड लाइक दिस फॉर 1 पीएम. ओके, नाउ रानी गोज टू स्कूल इन द स्कूल वैन. रानी किस पे स्कूल जाती है? स्कूल वैन पे जाती है. इट पिक्स हर अप फ्रॉम हर हाउस. वैन जो है वो रानी को उसके घर से पिकअप करती है. शी नोज द वैन नंबर. जो रानी है उसको उसके वैन का नंबर लर्न है. अगर आप भी किसी ऑटो से जा रहे हो या किसी वैन से जा रहे हो तो जस्ट लर्न द नंबर ऑफ वैन. ओके, आपको भी आपके वैन का या ऑटो वाले का नंबर लर्न होना चाहिए. इट इज रिटन ऑन द नंबर प्लेट. नंबर प्लेट जो होती है ना ऑटो की या वैन की, उसमें पीछे लिखा हुआ होता है नंबर, ठीक है? शी कॉल्स द वैन ड्राइवर रामू अंकल. वैन ड्राइवर को क्या बोलती है? वो रामू अंकल. ओके, रानी हैज मेनी फ्रेंड्स हु कम टू स्कूल. रानी के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो स्कूल आते हैं. सम वे टू स्कूल, सम कुछ के आते हैं, वॉक करके आते हैं. सम केम ऑन बाइसिकल्स, कुछ बाइसिकल्स से आते हैं. अदर केम्स इन बस एंड देयर पेरेंट्स ड्रॉप देम बाय देयर ओन व्हीकल्स. कुछ लोग बस से आते हैं, कुछ के पेरेंट्स उन्हें खुद ड्रॉप करते हैं, कुछ वैन से आते हैं, कुछ रानी के साथ आते हैं. तो बहुत सारे फ्रेंड्स आपके भी हैं अलग अलग, जो अलग अलग जगह से, अलग अलग व्हीकल्स से, अलग अलग चीजों से आते हैं स्कूल, ठीक है? नाउ पेज नंबर 35, आस्क योर क्लासमेट हाउ दे कम टू स्कूल. यहाँ पे आपको अपने क्लासमेट से पूछना है कि वो स्कूल कैसे आते हैं. राइट द नेम ऑफ क्लासमेट्स. आपको अपने क्लासमेट्स का नेम लिखना है. ये आपको बाद में भी कर सकते हो आपके फ्रेंड से पूछ के. और यहाँ पे लिखना है कि वो स्कूल कैसे आते हैं. इफ यू राइट द नेम, यहाँ पे अगर आपने सृष्टि लिखा तो सृष्टि स्कूल कैसे जाती है? वैन. तो आपको यहाँ पे वैन लिखना है. फिर अगर आपने यहाँ पे रचित लिखा, रचित स्कूल कैसे जाता है? बाइसिकल. तो आपको यहाँ पे बाइसिकल लिखना है. ओके, जो जिससे जाता है स्कूल उसके नेम्स क्या आएंगे? उसकी व्हीकल का नेम लिखना है. ओके, एट स्कूल Children should go to school every day. Children, बच्चे हमेशा every day school जाते हैं. A school can be small building or a large building with many floors. School में या तो बहुत सारे buildings होती हैं, या तो बहुत बड़ी building हो सकती है school की, या तो normal छोटी building हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत सारे floors होते हैं, बहुत सारे rooms होते हैं, ठीक है? A day in school start with the morning assembly. School में जो day होता है वो किससे start होता है? Morning assembly से start होता है. Students say a prayer during the assembly. बच्चे जो है assembly के during क्या करते हैं? Prayer sing करते हैं. Then they form a queue and go to their classrooms. उसके बाद वो queue बनाते हैं, line बनाते हैं और अपनी classrooms में वापस जाते हैं. As you all do in your assembly. जैसे आप लोग करते हो ना अपने assemblies में. स्कूल यूनिफॉर्म. चिल्ड्रन वेयर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल. चिल्ड्रन, बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं. द यूनिफॉर्म इज द कॉमन ड्रेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल. यूनिफॉर्म क्या होता है? पूरी स्कूल के बच्चे जो एक जैसा ड्रेस पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म.
लेट अस लर्न टू वेयर योर यूनिफॉर्म. यहाँ पे कुछ स्टेप बताया हुआ है. नाउ यू आर ग्रोन अप स्टूडेंट्स, अब आप बड़े हो गए हो. यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं कि आपको आपके यूनिफॉर्म कैसे पहनना है, कैसे वेयर करना है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दी हुई है. द फर्स्ट स्टेप इज वेयर अंडरगारमेंट्स. फर्स्टली आफ्टर बाथिंग जस्ट वेयर योर अंडरगारमेंट्स, पुट ऑन शर्ट्स. उसके बाद आपको अपनी शर्ट पहननी है. नाउ वियर स्कर्ट, शॉर्ट्स और ट्राउजर. अगर आप गर्ल हो तो स्कर्ट वियर करोगे, बॉय हो तो ट्राउजर वियर करोगे, या गर्ल्स शॉर्ट्स वियर करोगे, जो भी वियर करना है वो वियर करोगे. देन स्कूल बेल्ट. देन आफ्टर वॉट यू विल वियर स्कूल बेल्ट, पुट ऑन द टाई. देन आफ्टर योर टाई और टाई लगानी है आपको. देन वियर योर सॉक्स, पुट ऑन पॉलिश शूज. शूज को हमेशा पॉलिश रखना चाहिए, गंदे शूज पहन के स्कूल नहीं जाना चाहिए. इवन कहीं पे भी गंदे शूज नहीं पहनने चाहिए, तो शूज को हमेशा पॉलिश रखना चाहिए. वियर स्कूल बैच, स्कूल का बैच लगाना चाहिए. एंड आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड है आपके पास तो आइडेंटिटी कार्ड वियर करना है. एंड कॉम्ब योर हेयर्स. लास्ट स्टेप इज कॉम्ब योर हेयर्स. नाउ टर्न द पेज, टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 36. People in school, there are different people who live in the school, who work in the school, है ना, who are the helpers in the school. So just open page number 36. Different school teach different subjects to students in the school classrooms. Students study subjects such as English, Hindi, Math, Science and Social Studies. कौन कौन से subject mostly पढ़ाए जाते हैं? English, Hindi, Math, Science and social studies. They also learn music, dance, exercise and art and craft. और स्कूल में क्या सिखाया जाता है? म्यूजिक सिखाई जाती है, डांस सिखाया जाता है, एक्सरसाइज सिखाई जाती है, आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जाता है. ठीक है, सी दीज आर द टीचर्स. सी द पिक्चर ऑफ टीचर. इंग्लिश टीचर, डांस टीचर, म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर एंड दिस इज पीटी इंस्ट्रक्टर. है ना, दीज आर द डिफरेंट टीचर्स ऑफ योर स्कूल. The following people help you and care for you in the school. आपको स्कूल में कौन केयर करता है, कौन हेल्प करता है, उनके नेम्स हैं. द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल. द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल. द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल. प्रिंसिपल कौन होते हैं? स्कूल के हेड होते हैं. कौन होते हैं? स्कूल के हेड. द हेड अथॉरिटी, हाई अथॉरिटी. यू कैन मीट द प्रिंसिपल इफ यू हैव अ प्रॉब्लम. जब आपको स्कूल में कोई प्रॉब्लम होती है, देन यू कैन मीट द प्रिंसिपल. Then after receptionist, कौन आता है? Receptionist welcome the visitors to the school. जो स्कूल में विजिटर्स आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, उनको मीट करने के लिए receptionist होती है. You can take her help if you want to call up your father or mother. अगर आपको कभी स्कूल में कोई फादर और मदर से कॉल करना है, तो you can contact to your receptionist. आप receptionist से बात करते हो तो वो आपको आपके पेरेंट्स से हेल्प करती है फोन कॉल करने पर. Now accountant. The accountant sits इन द स्कूल ऑफिस. अकाउंटेंट जो होते हैं वो कहाँ पे बैठते हैं? स्कूल ऑफिस में बैठते हैं. यू कैन गिव योर स्कूल फीस टू हिम. स्कूल फीस हम सबमिट करते हैं अकाउंटेंट को. जो अकाउंटेंट होते हैं वो फीस का सारा स्ट्रक्चर हैंडल करते हैं. ठीक है, स्कूल फीस सबमिट करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना स्कूल के फीस के, ऑल दीज थिंग्स. द क्लीनर कीप द स्कूल क्लीन. जो क्लीनर होता है वो क्या करता है? स्कूल को क्लीन करता है. You can ask him or her to clean the mess you make. जितनी भी गंदगी, जितना भी mess आप करते हो स्कूल में, गंदगी होती है, cleaner उसे क्या करता है? Clean करता है. क्या करता है? Clean करता है. Now, next is page number 37. Gardener. The gardener care for the school garden. Gardener जो होता है वो क्या करता है? School garden की care करता है. उसके flowers को अच्छे से watering करता है. उसमें प्रॉपर सॉइल लेते हैं, सारी चीजें करते हैं. यू कैन हेल्प हिम इन फ्री टाइम. आप अपने स्कूल के गार्डनर को फ्री टाइम पे हेल्प कर सकते हो. द कैंटीन इंचार्ज सेल्स द फूड इन द स्कूल. कैंटीन जिस किसी स्कूल में, आपके स्कूल में अभी कैंटीन नहीं है, जहां पे स्कूल में कैंटीन होती है वहां पे कैंटीन इंचार्ज क्या करता है? छोटे छोटे फूड्स, कम थोड़े फूड्स जो बच्चों को भूख होती है, जो बच्चे टिफिन लेके नहीं जाते उनके लिए फूड प्रोवाइड करते हैं कैंटीन इंचार्ज. Next is Pune. Pune does odd jobs in the school. You can ask him to for directions in the school.
जितने भी डायरेक्शंस होते हैं प्यून देता है स्कूल में, है ना, छोटे मोटे जो डायरेक्शंस होते हैं, जो अलग से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जस्ट लाइक बेल रिंग करना, ऑल दीज थिंग्स, तो वो कौन करता है? प्यून करता है. नाउ सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड गार्ड द स्कूल बिल्डिंग. स्कूल बिल्डिंग में गार्ड करता है सिक्योरिटी गार्ड, पूरी बिल्डिंग की केयर करता है. यू कैन टेल हिम अबाउट एनी स्ट्रेंजर्स यू सी एंड अराउंड द स्कूल. आप उससे क्या हेल्प ले सकते हो कि अगर आपने कभी किसी स्ट्रेंजर को, किसी अनजान पर्सन को देखा है, तो आप उनसे बता सकते हो कि अंकल मैंने स्ट्रेंजर्स देखा है, मैं जिसे नहीं पहचानता वो हमारी स्कूल में आ गया है ना. तो स्कूल गार्ड जो होते हैं वो स्कूल की गार्ड, पूरी स्कूल की सिक्योरिटी पे ध्यान देते हैं. Now, next is school function. You enjoy many school functions. You take part in them. Your parents come to see you. Your parents meet your teacher and parents meeting day. आपके parents कब teacher से मिलते हैं? Parents teacher meeting के दिन. किस दिन मिलते हैं? Parents teacher meeting के दिन. Take the functions you are participating in. Here are some functions, students. यहाँ पे कुछ functions दिए हुए हैं school के. School annual day, स्कूल स्पोर्ट्स डे, टीचर्स डे और चिल्ड्रंस डे. आपने इनमें से कौन कौन से फंक्शंस में पार्टिसिपेट किया है उसमें टिक करना है आपको, ठीक है. तो जस्ट टिक विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, पेंसिल से टिक कीजिए अगर इनमें से किसी भी फंक्शन में आपने पार्टिसिपेट किया है. एनुअल डे में डांस किया है या स्पोर्ट्स डे में कुछ पार्टिसिपेट किया, टीचर्स डे में कुछ पार्टिसिपेट किया, तो जस्ट टिक ऑन इट, टिक कीजिए. Now turn the page, page 38, page number 38, students. School duties. Here are some school duties. Good students, obey school rules and fulfill these duties. जो good students होते हैं वो इन duties को follow करते हैं, जो school की ये duties दी हुई हैं उनको obey करते हैं और उनको follow करते हैं, ठीक है. Page number 38. And what are the duties? They greet their teachers. अपने टीचर को ग्रीट करते हैं. ग्रीट करना मतलब विश करना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे विश करते हैं. They throw the waste in the dustbin. हमेशा वेस्ट को डस्टबिन में थ्रू करते हैं. जो गार्बेज होता है, कचरा होता है, उसे कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में फेंकते हैं. They have good manners and good habits. उनके पास गुड मैनर्स होते हैं, गुड हैबिट्स होते हैं. They do not tear pages from book. Book के पेज को tear नहीं करते. जो good student होते हैं वो अपने book की बहुत care करते हैं, उसको tear करके नहीं फेंकते, ठीक है. They do not write on the walls. School walls पे pencil से write down नहीं करते. घर के wall पे pencil से write down नहीं करते. They never jump on desk and chairs. Desk और chair जो होती है school पे, उस पर jump नहीं करते हैं. घर पे नहीं jump करते हैं. They walk into the queue in school. School में line पे walk करते हैं, queue में चलते हैं, push नहीं करते हैं एक दूसरे को. They share care and help each other. हमेशा आपके friend के पास अगर कोई pencil नहीं है, eraser नहीं है, तो they always help their friends or classmates while they in the school. Okay? So these are some good habits, good duties you can say which you follow in the school. आपको जो school में follow करनी चाहिए, these are some duties. Okay? Now कमिंग टू एक्सरसाइज, जस्ट ब्रिंग योर पेंसिल, पेंसिल ब्रिंग कीजिए फटाफट. एक्सरसाइज के सिर्फ टू क्वेश्चन आज हम करेंगे, मैचिंग एंड फिलिंग द ब्लैंक्स. ओके, मैचिंग एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विल डू. फर्स्ट वन इज रिसेप्शनिस्ट, फर्स्ट वन इज रिसेप्शनिस्ट. तो रिसेप्शनिस्ट को आप मैच कीजिए वेलकम से. रिसेप्शनिस्ट वेलकम करती है ना, तो रिसेप्शनिस्ट को वेलकम से मैच कीजिए. नेक्स्ट इज क्लीनर, नेक्स्ट इज क्लीनर. तो क्लीनर को आप क्लीन्स से मैच कीजिए, क्लीन्स. लास्ट वन स्कूल गार्ड, सॉरी सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड को आप गार्ड से मैच कीजिए. सिक्योरिटी गार्ड गार्ड करता है ना, तो सिक्योरिटी गार्ड को गार्ड से मैच कीजिए. नाउ नर्स, नर्स क्या करती है? केयर्स करती, केयर करती है ना पेशेंट की, तो नर्स को केयर से मैच कीजिए. नर्स को केयर से मैच कीजिए. सी ऑन द स्क्रीन, ऐसे मैच करना है आपको. ओके, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर बी, फिलिंग द ब्लैंक्स. अ डे इन स्कूल स्टार्ट विथ अ,
मॉर्निंग असेंबली, क्या आएगा? मॉर्निंग असेंबली, ऐसे लिखना है आपको, एम ओ आर एन आई एन जी, एम ओ आर एन आई एन जी, मॉर्निंग असेंबली. नाउ सेकेंड वन इज फॉर्म अ क्यू. सेकेंड फिर इन द ब्लैंक्स में आएगा क्यू. द स्पेलिंग ऑफ क्यू इज क्यू यू ई. क्यू की स्पेलिंग होगी क्यू यू ई यू ई. दो बार यू ई आएगा, क्यू यू ई यू ई, क्यू. ओके, सी ऑन द स्क्रीन. नाउ थर्ड वन इज चिल्ड्रन वियर अ डैश टू स्कूल. तो क्या आएगा? यूनिफॉर्म. स्पेलिंग इज यूनिफॉर्म, यू एन आई एफ ओ आर एम, यूनिफॉर्म. राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ यूनिफॉर्म, यू एन आई एफ ओ आर एम, यू एन आई एफ ओ आर एम, यूनिफॉर्म. यू एन आई एफ ओ आर एम, यूनिफॉर्म. नाउ फोर्थ वन इज डू नॉट टीयर, टी ए आर, टीयर, टी ए आर, टीयर. पेज फ्रॉम बुक्स, बुक के पेज को टीयर नहीं करना चाहिए, तो टी ए आर, टीयर. राइट डाउन टीयर हियर, टी ए आर. Now last fill in the blanks is your parents meet to your teacher on. आपको यहाँ पे सिर्फ कैपिटल लिखना है, P dot T dot M, P T M. कैपिटल P, फिर डॉट, फिर T, then dot, then M, P T M. कैपिटल लेटर्स में लिखना है P dot T dot M, P T M. Okay? Finished? So for today itself, two questions are there. Question number 1A and B. You have to write down in your notebook. आपको आपकी notebook में भी लिखना है और book में भी लिखना है दोनों questions. And just click the picture and submit me in the group. और आपको दोनों questions notebook में भी करने हैं, book में भी करना है और picture click करके मुझे group में send करना है. Okay, with your names. आज के लिए इतनी ही topic था और इसके आगे next class में हम discussion करेंगे. Now. Okay, student, your class is over. Thank you and have a nice day. Do your work, click the picture and submit me in the group. Okay? Thank you. Good day. Bye. Bye, students. Have a nice day.